सुनाने वाले सभी लोग हैं, कमाने को कोई भी तैयार नहीं। इतने ग्रंथ पढ़े जा रहे हैं, इतने सुनाए जा रहे हैं, इतना उपदेश हो रहा है, बहुत कम लोग जो इसके ऊपर अमल करते हैं। अमल करो, जो श्रवण किया है ना कि काम वासना को त्यागना है, मन में जो भी फुरना आ गया वो मनुख करने की इच्छा रखता है, मन में संकल्प ही नहीं पैदा होने देना, वासना का संकल्प पैदा नहीं होने देना, और क्रोध गुस्सा आए तो गुस्से को कंट्रोल करना है, क्रोध आए तो क्रोध को रोकना है। इस क्रोध करने से जितना तुमने पाठ किया है ना, सिमरन किया है, सेवा करी है, उसका जो फल है ना वो सड़ जाता है। क्रोध करने से, काम करने से, माड़ी वासना से जितना तुमने पाठ सिमरन किया है ना, सेवा करिए, सेवा करते करते क्रोध कर लिया तो सेवा का नाश हो गया। मत थोड़ी सेव गुवाई, लोभ कर लिया, सेवा करते बहुत करते करते तुमने लोभ कर लिया, ये हम ले जे, ये धन हम ले जे, ये वस्तु हम ले जे, सेवा में तुम्हारा सिमरन में लोभ आ गया तो उसका फल खत्म, फल नहीं मिलेगा। और मोह जाग पे घर का, परिवार का, बच्चों का मोह आ गया तो फिर भी फल नहीं मिलेगा। ये पाठ किया, सेवा करी और मन में अहंकार आ गया कि हमने बहुत सेवा करी, बहुत सेवा, हमारे जैसी कोई नहीं कर सकता, हम पूरा दिन सेवा में लगाया हो, पूरी पूरी जिंदगी दुनिया के लोग दुनिया में लगा गए, परिवार में, बच्चों में, धी पुत्र में, सारी उम्र ही लग गई। कभी चेता किया है कि मैं परिवार के पीछे लगाई? कभी अहंकार करते हो कि मैं सारी उम्र का घर की सफाई करी, घर के कपड़े धोए, रोटी पकाई? कभी अहंकार किया है? गुरुद्वारे का क्यों करते हो? एक दिन सेवा करके, दस दिन करके अहंकार करते हो, मैं गुरुद्वारा की सेवा करी हो, घर का इतना काम किया, सुबह से लेकर रात तक इतना काम किया, इतना काम किया, कपड़े धोए, बर्तन साफ किए, रोटी पकाई, खिलाई, जूठे बर्तन, कभी अहंकार किया है कि मैं किया? वो तो काम समझ के करते हैं। जैसे घर में काम को काम समझ कर करते हो, गुरु घर में सेवा को सेवा समझ के करो, ये अहंकार करने के लिए नहीं, हौमे धारने के लिए नहीं। किसकी हौमे मन में आ जाए, किसकी हौमे करेंगे? हम हैं, हमारे को बड़े लोग बोलते जी तुम इतना मेहनत करते हो, इतना शरीर वजन वाला है, हमारे को पता है कि हम कितना खाते हैं, कितना कारों गड्डी का सुख लेते हैं, कितने अच्छे वस्त्र पहनते हैं, हमारी सेवा नहीं है। जितने अच्छे वस्त्र मिलते हैं हमारे को, जितना मान सम्मान मिलता है, जितना अच्छा खाना मिलता है, जितनी अच्छी गाड़ी में सवारी सत्कार मिलता है, और इतनी हमारी सेवा है? ये तो हमारे को पता है ना कि उसके बराबर तो हमारा कुछ भी नहीं है, फिर मान किसका? इतने सुख जो हम घर में नहीं ले सकते, जो हमारे साथ जितने हैं, जितने भी यहां गुरुद्वारा में रहते, जितने भी पाठी अंदर पाठ करते हैं, 6 घंटा करते हैं पाठ, दो दो तीन तीन रोल लगाते हैं, 8 घंटा भी कर लो, भी 8 घंटा करते हैं, कितना अच्छा खाना मिलता है, कितने अच्छे वस्त्र, कितने सुख से रह रहे। ये अहंकार करने के लिए नहीं, ये परमात्मा से प्यार करने के लिए, परमात्मा को पाने के लिए है। थोड़ा चिर पाठ करके हम अहंकार कर ले, भी 2 पाठ 10 पाठ सुखमणि के करें,
कभी हंकार किया है कि हमने 8 घंटे पढ़ाई करी स्कूल की, हम आज पूरी रात मेहनत करते रहे सारी रात क्योंकि सुबह पेपर में जाना सी, रात को सोए भी नहीं, और स्कूल में भी सिद्क नहीं, फिर ट्यूशन रखते हैं आके और पढ़ाई करते हैं, कभी हंकार करते हैं इनका, पाठ का क्यों, सत्संगत के में बैठने में का क्यों, टीवी चैनल पर सारा दिन बैठे रहते हो, कभी हंकार करते हो कि मैं पूरा दिन टीवी देखा है, ये भी टीवी है, ये सच्चा टीवी है, वो नाटक चेड़क कहानी सुनते हैं, ये साची कहानी है, साची कथा है। हंकार नहीं करना, लोभ नहीं करना कि सारी रात टीवी देख के कहे मेरे को पैसे मिलने चाहिए टीवी देखने के, पाठ करके पैसे मिलने चाहिए, मैं स्कूल में पढ़ के आया मेरे को पैसे मिलने चाहिए इतने, इनमें लोभ लालच त्यागते हैं तो पढ़ाई कर जाते हैं। सभी काम क्रोध लोभ मोह अहंकार का त्यागन करो, ये नुकसान करते हैं, फालतू की हवा है। और परमात्मा को नहीं मिला तो अहंकार का दा, इतना पाठ पूजा किया है गुरु नानक के दर्शन नहीं हुए, गुरु गोविंद सिंह के दर्शन नहीं हुए, कादा अहंकार करिए कि हम इतने बड़े पाठ कर ले, इतने पाठ करवा ले संगतों से, बस ये बाबा बाबा लेकर हम चले जाएंगे, तुम्हारे को बाबा बाबा देकर तुम्हारे को फूक पर जाएंगे, हमारा ज्ञानियों का काम ये ही है, तुम्हारे में फूक भर भर के नोट नोट कटाने हैं, पैसे ले आओ माया ले आओ साड़ी पूजा करो, और क्या है ये दुनिया के धंधे हैं, धर्म नहीं है, धर्म में समा लगाओ, परमात्मा पाने की वस्तु है, परमात्मा पाने की वस्तु है, सुनाने की नहीं।